फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। कॉफी को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। फ्रिज में रखने से ये उसमें रखी दूसरी चीजों की महक सोख लेती है और जल्दी खराब हो जाती है। शहद को कभी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। शहद तो पहले से ही प्रिजर्व रहता है। इसे आप सामान्य तौर पर ही जार में बंद करके रख देंगे तो वो भी सालों साल चलेगा। फ्रिज में रखने से वो क्रिस्टल बन जाता है और उसे जार से निकालना मुश्किल हो जाता है। अचार में विनेगर होता है, इसको फ्रिज में रखने से ये अपने साथ साथ दूसरी चीजों को भी खराब कर देता है। केले को फ्रिज में रखने से ये काला पड़ने लगता है। इससे इथाइलिन नाम की गैस निकलती है जिससे ये अपने आस पास रखे फलों को भी खराब कर देता है। टमाटर फ्रिज में रखने से ये जल्दी गल जाता है और इसका टेस्ट खराब होने लगता है। आलू को फ्रिज में रखने से इसका स्टार्च शुगर में बदलने लगता है। इससे उसके स्वाद पर भी असर पड़ता है। संतरा, नींबू, मौसमी जैसे फल भी फ्रिज में नहीं रखने चाहिए। अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो इसके छिलके काले पड़ जाते हैं और इसका रस सूखने लगता है। बिना कटा हुआ तरबूज और खरबूज फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। इसमें काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो फ्रिज में रखने से खराब होने लगता है। प्याज को भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए क्योंकि फ्रिज की नमी के कारण ये गलकर खराब होने लगता है। लहसुन को फ्रिज में रखने से ये जल्दी अंकुरित होने लगता है और ढीला पड़कर खराब हो जाता है। कुछ तेल जैसे नारियल और ऑलिव ऑयल फ्रिज में नहीं रखने चाहिए। फ्रिज में रखने पर वो गाढ़ा हो जाता है और फ्रिज में से निकालने पर सामान्य तापमान पर आने के लिए इसे काफी समय लगता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।